नमस्कार, वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज आपके साथ बात करेंगे आपके मासिक राशिफल के विषय में, जो कि अप्रैल 2021 से संबंधित है। अप्रैल के महीने का ये राशिफल है जिसकी हम चर्चा आपसे करने जा रहे हैं। इससे पहले कि आपके साथ राशिफल की बात करें, आपको यह भी बताना चाहते हैं कि ये जो राशिफल है ये लगन पर आधारित है, यानी कि जो आपका टेवा यानी कि हॉरोस्कोप है या कुंडली, जिसको जो भी आप बोलते हैं उसको, अगर उसमें फर्स्ट हाउस में पहले प्रथम भाव में, जिसको लगन भाव कहते हैं, वहाँ पर जो भी नंबर लिखा है उसी राशि से आपने ये राशिफल आपने सुनना है। यानी कि अगर वहाँ पर सात लिखा हुआ है तो आपने तुला राशि सुनना है। तो आइए अब हम चर्चा करते हैं आपके राशिफल के विषय में। और अभी जो हम चर्चा करने जा रहे हैं, जो तुला राशि के जातक हैं यानी कि लिब्रा असेंडेंट बेस जो लोग हैं, उनके विषय में हम बात करने जा रहे हैं और आरंभ करेंगे आपके व्यवसाय से कि इस माह आप तुला राशि के जो जातक हैं उनका व्यवसाय यानी कि रोजगार या व्यापार की स्थिति कैसी रहने वाली है। तो देखिए साथियों, आपको बता दें कि ये जो माह है अप्रैल का, ये इस महीने में आपको अपने कार्य क्षेत्र में वैसे तो ज़्यादा से ज़्यादा परिश्रम करेंगे तो उसके परिणाम आपको अनुकूल प्राप्त होंगे। कहने का भाव ये है कि इस माह परिश्रम की ज़्यादा आवश्यकता है अपने कार्य क्षेत्र में आपको, और पूरी तरह से परिश्रम पर ही सारा दारमोदार है, क्योंकि ग्रहों की आपके चार्ट में जो स्थिति हम देख पा रहे हैं उसके अनुसार बिना परिश्रम के बात नहीं बन पाएगी। और हालात भी ऊपर नीचे होंगे, कभी कुछ अच्छा हो जाएगा, कभी कुछ लगेगा कि जैसे कि कुछ चीज़ें आपके अगेंस्ट में जा रही हैं, इस प्रकार के हालात भी बने रहेंगे इस पूरे माह। अब क्योंकि आप तुला राशि के जो जातक हैं उनकी शनि की ढैया भी चल रही है, अब क्योंकि ढैया चल रही है तो ढैया के कारण भी मानसिक परेशानी, मानसिक तनाव, कार्य क्षेत्र में उलझने, इस प्रकार की स्थिति का भी सामना करना पड़ेगा। तो आपको थोड़ा सचेत रहना है और अपने गंभीर रहना है, सीरियस रहना है, सीरियस होकर काम करने हैं, किसी दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, दूसरों के ऊपर अपना कार्य छोड़ना नहीं है, इस प्रकार का आपको ध्यान रखना होगा। तो साथियों, 13 अप्रैल को मंगल अपना राशि परिवर्तन करके वृषभ राशि से निकल करके मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। तो जब ये यहाँ पर आएंगे तो आपको मैं बता दूं, वैसे तो भाग्य का तो सहयोग पूर्ण रूप से आपको नहीं मिल पा रहा है पूर्ण रूप से, लेकिन इतना है कि माह के आरंभ से और माह के मध्य के बीच में हो सकता है कि कोई आपके कार्य क्षेत्र में कोई ऐसा शुभ समाचार आपको मिल जाए, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का फुल्का, जिससे कि आपका मन प्रसन्न हो जाए। अब आप कहेंगे ऐसा क्या शुभ समाचार कार्य क्षेत्र में, शुभ समाचार और क्या हो सकता है, कोई आपके कोई छोटी मोटी या तो प्रमोशन हो जाएगी या फिर आपको कुछ इंक्रीमेंट अच्छा मिल जाएगा, आपकी पैसे में बढ़ोतरी हो सकती है, ज़्यादा नहीं कम। तो इस प्रकार का स्थिति 13 अप्रैल तक हो सकती है, 1 अप्रैल से 13 के बीच में। हालांकि पूर्ण रूप से भाग्य आप का साथ आपको नहीं मिल पा रहा है, अगर मिलता तो ये जो मैंने जिसकी बात कर रहा हूँ प्रमोशन किया उसकी, तो बहुत अच्छा होता, मैं काफ़ी अच्छे की बात करता। और भाग्य का तो क्योंकि आगे भी पूरे माह इसी प्रकार की स्थिति दिखाई दे रही है कि बहुत सपोर्ट दिखाई नहीं दे रहा है भाग्य का, और फिर जब 13 तारीख को मंगल जा करके बैठ जाएंगे भाग्य भाव में तो और भी ज़्यादा समस्या होंगी। और इसके साथ साथ आपके 13 अप्रैल से और माह के अंत तक
आपके अपने जो एनर्जी लेवल है, जो आपका ऊर्जा यानी कि पराक्रम में कमी, आप अपने आप को थोड़ा ये महसूस करेंगे कि भाई बॉडी में मैं एनर्जेटिक नहीं हूँ, कम एनर्जी है मेरे अंदर, इस प्रकार की कुछ फीलिंग्स आएंगी। और छोटी यात्राएं भी अगर आपने करी, चाहे आपके कार्य से संबंधित ही क्यों ना हो, तो वो भी आपके लिए लाभकारी सिद्ध नहीं होंगी 13 अप्रैल के बाद। तो आपको इस बात का पूरा ध्यान रखना है कि आप जो हैं परिश्रम पर अधिक ध्यान दें, क्योंकि शनि की ढैया भी आपके ऊपर चल रही है। तो आपका एक ही रास्ता है कि आप अपने परिश्रम की ओर पूरा ध्यान दें, उसी पर फोकस करें, तभी कुछ बात आगे चल पाएंगी। अब हम बात करते हैं आपकी आर्थिक स्थिति की। आर्थिक स्थिति कैसी रहने वाली है? देखिए, आर्थिक स्थिति जो है ये 1 अप्रैल से 13 अप्रैल तक तो सामान्य रहेगी, लेकिन 13 अप्रैल को सूर्यदेव जब अपनी राशि परिवर्तन करेंगे और वो मेष राशि में जाएंगे उच्च के होकर के, तो आपके कारोबार में भी वृद्धि करेंगे और आपकी आय में भी वृद्धि होगी। सूर्यदेव के द्वारा इनकम बढ़ेगी आपकी, और आपके कार्य में भी जो है उसमें भी सुधार होगा, ये सूर्यदेव के कारण होगा। और सेविंग के बारे में बात कर लें तो देखिए, सेविंग का जहाँ तक प्रश्न आता है, तो सेविंग तो आप जो है थोड़ी बहुत करते रहेंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन यही रहेगी स्थिति के एक बार सेविंग हो गई, अब लंबा गैप हो गया, छोटी मोटी सेविंग कर ली तो इस, लेकिन वो चीज़ नहीं है कि जो होना चाहिए, जो दिखाई देनी चाहिए, वो चीज़ नहीं है। शुरू में कुछ माह के शुरू से आरंभ से लेकर के और मध्य के बीच में कुछ सेविंग्स आप कर लें तो कर लें, उसके बाद नहीं दिखाई दे रही है सेविंग आपकी। इसी प्रकार सुख सुविधाओं की बात करें, सुख सुविधाओं के होते हुए भी आप उनका लाभ उठाने में सफल नहीं होंगे, उनका लाभ नहीं ले पाएंगे सुख सुविधाओं का, किसी भी प्रकार की सुख सुविधाएं। ज़्यादा आपको कमी लगेगी, कमी महसूस होगी कि भाई मैं सुख सुविधाओं का लाभ पूरी तरह से ले नहीं पा रहा हूँ। अब आगे बात करते हैं आपसे प्रेम संबंधों के विषय में। तो प्रेम संबंधों को लेकर के भी ग्रहों की स्थिति काफ़ी प्रतिकूल है, तो अगर आप कोई प्रयास करते भी हैं तो सफलता मिलने का कोई योग दिखाई नहीं देता है। तो इसीलिए हमारा तो यहाँ पर यही आपके लिए सुझाव होगा कि आप जो हैं वो काफ़ी मतलब अपने इस कार्य से हट करके अपना ध्यान अपने कार्य पर ही लगाएं, और वहीं ज़रूरत भी ज़्यादा है। हाँ, इतना ज़रूर है कि आप रोमांटिक जरूर रहेंगे पूरे माह, और इस रोमांटिक मूड के कारण आपका बार बार ध्यान इस तरफ भी जाएगा, लेकिन आपने स्वयं को रोकना है, क्योंकि उसमें सफलता के योग नहीं है प्रेम संबंधों में। हाँ, वैवाहिक संबंधों की अगर बात करें तो वैवाहिक संबंधों में आपका काफ़ी अच्छा तालमेल इस महीने बना रहेगा। बीच बीच में छोट मोट कोई हो गई गलतफहमी तो हो गई, लेकिन ओवरऑल संबंध सामान्य से बेहतर रहेंगे वैवाहिक संबंध। लेकिन 1 अप्रैल से 13 अप्रैल के बीच में बस इतना ध्यान रखिएगा कि अपने जीवन साथी को किसी प्रकार का शारीरिक अस्वस्थता हो सकता है, उसकी तरफ थोड़ा सा ध्यान आपको रखना होगा कि जीवन साथी को कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या ना हो। 1 से 13 अप्रैल के बीच इसकी संभावनाएं अधिक हैं। अब बात करते हैं पारिवारिक संबंधों की। तो देखिए, पारिवारिक संबंध जो हैं वो माह के आरंभ से और माह की 13 तारीख तक तो सामान्य रहेंगे, यदा कदा कुछ ऊपर नीचे हो गया तो अलग बात है, लेकिन 13 तारीख के बाद संबंधों में थोड़ी कमी आपको महसूस होगी। परिवार के सदस्यों के साथ मनमुटाव, मतभेद, वैचारिक मतभेद, ऐसी कुछ स्थिति बन सकती है। अब आपको बताना चाहेंगे शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों को कैसा ये महा रहने वाला है। तो देखिए, छात्रों को बताना चाहेंगे कि शिक्षा तो आपकी चल पाई करेंगे आप, ऐसा नहीं है नहीं होगी, शिक्षा तो करेंगे पक्का, लेकिन बीच बीच में आपको समस्याओं का सामना उसमें करना होगा। विघ्न बाधाएँ, ऑब्स्टेकल्स कुछ ना कुछ आएंगे। वो हम यहाँ पर माता पिताओं से भी कहना चाहेंगे कि वो अपने बच्चों पर पूरा उनको सहयोग दें, उनकी समस्याओं पर ध्यान दें, और जहाँ तक भी हो सके उनको दूर करने की कोशिश करें, ताकि बच्चों को उनका जो एजुकेशन है वो निरंतर जारी रहे।
अब आते हैं संतान पर। तो देखिए संतान के विषय में भी हम आपसे यही बताना चाहते हैं कि संतान को लेकर के भी वैसे तो माता पिता के मन में खुद ही काफ़ी रहेगा चिंता, खुद भी ऐसा नहीं है कि वो बेफिक्र रहेंगे। जो ग्रहों की स्थिति है चार्ट जो बता रहा है, माँ बाप भी काफ़ी कंसर्न रहेंगे अपने बच्चों के प्रति, और मैं भी यही कह रहा हूँ कि रहना बनता है ग्रहों की स्थिति के आधार पर। पूरा ध्यान उनका रखना है, उनको सहयोग करना है, जहाँ उनको जिस चीज़ की ज़रूरत है आपके द्वारा वो पूरी होनी चाहिए। इस प्रकार की ग्रहों की स्थिति है। स्वास्थ्य अंत में, तो देखिए स्वास्थ्य को लेकर के भी बता दें, चेस्ट से नीचे के, छाती से नीचे के रोग थोड़ा परेशान कर सकते हैं आपको। पेट से संबंधित थोड़ा अपने स्वास्थ्य की ओर भी ध्यान दें। अब अंत में हम आपको उपाय देने जा रहे हैं, कौन से वो उपाय करें जिससे आपकी समस्याएं या तो खत्म हो या उसमें कमी आए। तो एक तो शनि की, क्योंकि ढैया हमने कहा आपके ऊपर चल रहा है, तो आपने करना ये है कि शनिवार के दिन संध्या के समय पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं, या शनि मंदिर में जाकर के शनि चालीसा का पाठ करें और सरसों के तेल का दीपक जलाएं, ये कर सकते हैं। या शनि के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, कम से कम एक माला, नहीं तो 5, 8, 11 माला, ये कर सकते हैं आप। दूसरा, मंगलवार के दिन संध्या के समय हनुमान जी की प्रतिमा के सामने भी आपने सरसों के तेल का दीपक जलाना है, और वहीं पर बैठ करके आपने पूजा करना है हनुमान जी का। हनुमान स्तोत्र कर सकते हैं, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक आदि कर सकते हैं पाठ। और इसके अतिरिक्त बूंदी या बेसन के लड्डू का भोग लगा सकते हैं आप हनुमान जी को। और इसके अतिरिक्त हनुमान जी के चरणों में केवड़े का इत्र और गुलाब के फूल या गुलाब के फूलों की माला अवश्य चढ़ाएं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी समस्याओं का अंत हो। ये मंगल के दिन करना है, और बुधवार के दिन आपने करना है अपने हाथों से गाय को हरा चारा खिलाना है। और जो मंगल का उपाय लेडीज हैं नहीं कर सकती हैं, उनके लिए सिद्ध कुंजिका का पाठ करें वो, या दुर्गा सप्तशती में जो अर्घला स्त्रोत्र होता है उसका पाठ करें नित्य प्रतिदिन, महिलाएं ये कार्य करें। और शुक्रवार के दिन अपने हाथों से 2 रोटियों पर देसी घी रख करके, चीनी रख करके गौ माता को जरूर खिलाएं। तो समझ लीजिए आपकी 90% समस्या इस महीने की खत्म। तो ये था तुला राशि के जातकों का राशिफल महाअप्रैल 2021 का। आपको समझ आया, अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही जो बेल आइकन है उसको भी अवश्य दबाएं, ताकि आने वाले दिनों में जो हमारे कार्यक्रमों के नए वीडियोज़ हैं वे आप तक आसानी से पहुँच सकें और आप उन सभी वीडियोज़ का भी समय अनुसार लाभ प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।